जय हिंद सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। नितिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर नमस्कार, जय हिंद सर। सभी एटोमियंस का, पार्टिसिपेंट्स का, आप सीनियर्स का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं कि आज मुझे इस मीटिंग को होस्ट करने का मौका मिला है दोस्तों। और आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि आज इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हो, क्योंकि ये मीटिंग आज की जो है वेरी वेरी स्पेशल है बहुत ही, क्योंकि इससे इस मीटिंग के थ्रू आपको क्या मिलेंगे, कीज मिलेंगी कि कैसे सेल्स मास्टर के लेवल का जो ताला लगा हुआ है उसको ओपन किया जा सकता है और उस लेवल को अचीव किया जा सकता है। दोस्तों हमारा, हमने सभी ने कुछ महीने, एक महीने, डेढ़ महीने पहले डिसाइड किया था कि हम सेल्स मास्टर के लेवल को 31 अक्टूबर तक अचीव करेंगे। तो उसी के लिए ही उसकी गाइडलाइंस क्या है उसके, यानी उस लेवल, क्योंकि टाइम कम हो रहा है तो उसके ऊपर भी हम अपना ध्यान लगाएं ताकि उसको उस लेवल को अचीव कर सके, उसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग आज है। और इसमें जो आज हमारे स्पीकर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटीज हैं दोस्तों। आपको आप शुरू से लेके, सभी से निवेदन है मेरा कि आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहें, आपको बहुत कुछ मिलेगा आज की मीटिंग में कि कैसे उस लेवल को अचीव करना है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने ये डिसीजन लिया है और हम कर भी रहे हैं कि एटोमी अगर हमने ज्वाइन करी है तो कुछ पाने के लिए किया है, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं, बहुत कुछ पाने के लिए। और ये बहुत बड़ा लेवल भी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं इस बात से ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा दोस्तों, कि हाँ, मैं, मुझ जैसा बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागता था, आज इसके इतनी महिमा और गुणगान गा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, कंपनियां बेशक दोस्तों चेंज हो सकती है, यानी होती, किसी भी कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एटोमी की करूंगा क्योंकि मैं एटोमी का हूँ, बंदा एटोमी फैमिली का मेंबर हूँ, तो मैं एटोमी की ही बात करूंगा। पर ये प्रोफेशन बुरा नहीं है दोस्तों, मैं ये कहूंगा ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अब ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं आज आपके सामने पर बुलाने जा रहा हूँ हमारे पहले स्पीकर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस और जिनसे मैं शुरू से ही आज तक प्रभावित हूँ, और मैं उनको एक जबरदस्त पर्सनैलिटी मानता हूँ इस एटोमी फैमिली में। आप सभी से निवेदन है कि अपने जगह से बैठे हुए तालियों से उनका स्वागत करें। नितिन जी, आवाज आपकी फिर चली गई है। नितिन जी, अपना नेटवर्क थोड़ा इधर उधर करिए। नहीं, अपना लीड हटा दो सर, जो भी आपका सिस्टम है वो हटा दो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सर नवाब सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस मीटिंग को शुरुआत करें। हमारे पहले स्पीकर है आज के नवाब सर। नवाब साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है। ग्रेट, ऑसम, वेलकम नवाब जी। थैंक यू नितिन जी फॉर वार्म वेलकम, और आप सभी लोगों का आज की इस जूम मीटिंग में स्वागत है। मेरा नाम नवाब चौरसिया जी। सॉरी, मैं एक सेकंड आपको बता देता हूं कि दोस्तों आज नवाब सर हमें बताएंगे कि हम कैसे और क्यों हमें एजेंट लेवल पहुंचना चाहिए, और एजेंट लेवल से सेल्स मास्टर तक कैसे लेके जा सकते हैं, क्यों किया जाता है, वो सब नवाब साहब हमें बताएंगे दोस्तों। सो नवाब सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी साथियों को नमस्कार आज की इस जूम मीटिंग में। माई सेल्फ नवाब चौरसिया, एनएस चौरसिया फ्रॉम दिल्ली, और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में मेरा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम बात करेंगे, और इस एटोमी बिजनेस में लगभग 1 सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग, हम वीडियो ऑफ करके ही बात कर रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं कि 46 पार्टिसिपेंट हैं। तो आप सभी लोगों का टाइम से आने के लिए सबसे पहले शुक्रिया, उसके बाद जिन लोगों ने अपने टीम को इनवाइट किया है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मीटिंग में आप लोगों ने इन्वाइट किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्स मास्टर का। बाय अक्टूबर तक हम सेल्स मास्टर कैसे जा सकते हैं, तो हम उसी बात को शुरुआती दौर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में जो पहला लेवल होता है, मास्टरशिप लेवल, जहां से बोनस आती है, वो सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है। और वही हमारे जर्नी का जो है शुरुआत के दिनों में एक मोटिवेशनल चीजें होती हैं। कहा जाता है वेस्ट बिगिन हाफ डन, या फिर पता नहीं कैसा, मतलब अच्छी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होती है।
तो जो पहला लेवल है सेल्स मास्टर का, बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है, जो हर कोई एटोमियन जो ज्वाइन करता है इस बिजनेस को वो चाहता है इस लेवल को अचीव करना। तो हम आप लोगों के 45 लोगों में से ये चीज जानना चाहेंगे कि कितने लोग इस बात के लिए एक्साइटेड हैं, या जो लोग चाहते हैं रियल में सेल्स मास्टर जाना, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे। गुड, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोग हैं जो चाहते हैं सेल्स मास्टर जाना, या तो वो मीटिंग में है लॉगिंग करके, या फिर वो चाहते नहीं है। तो हम चाहेंगे कि 45 आउट ऑफ 45 हो, तभी हम लोगों को ये सेशन लेने का मजा भी आएगा, क्योंकि ये जितने भी स्पीकर आज हमारे पास हैं वो सब बहुत ही प्रेस्टिजियस अपना टाइम निकाल करके सिखाने को तैयार हैं। तो क्या हम लोग जाने को तैयार हैं? अभी जब तक पूरा हैंड रेज नहीं हो पाएगा शायद मैं इस मीटिंग को शुरू नहीं कर पाऊं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चाहते हैं रियल में वो लोग प्लीज हैंड रेज करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आप जो जो लोग हैंड रेज किए हैं, सर अरुण मीना सर आपको जरूरत नहीं है। रेगुलर रेगुलर नवाब भाई रेगुलर जाने की जरूरत है, इसलिए हमने उठाया है। ओके ओके, थैंक यू। और आपने कह दिया था कि सारे लोग नहीं उठाएंगे, मीटिंग शुरू नहीं करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम उन लोगों से जो लोग नए हैं या जो लोग भी सेल्स मास्टर जाते हैं, कृपया करके चैट बॉक्स में डालेंगे सेल्स मास्टर की एक साइकिल का इनकम क्या होता है, व्हाट इज इनकम। अगर हम सेल्स मास्टर जाते हैं तो हमारी इनकम क्या सेल्स मास्टर पे एक साइकिल की होती है। मैं चैट ओपन करके बैठा हूँ। प्लीज जिन जिन लोगों ने एटलीस्ट हैंड रेज किए हैं, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अगर उन्हें पता है तो जरूर डालें। गुड, विजय राय जी, इंद्रानी मैम, सीमा गुप्ता जी, विपिन साहू, अरुण मीना सर को तो पता ही आ रहा है, सरोज मलिक सर, गुड गुड, कुकरेजा सर को आ रहा है पता है, सुनील पांडे जी, गुड आपको तो पता होगा ही, विनीत मिश्रा जी, गुड। तो जो गुड गुड गुड, तो जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारे पास एवरेज आ रहे हैं 50,000 से 70,000 रुपए, 50,000 रुपए से 70,000 रुपए। अब सारे लोग हैंड डाउन कर ले, प्लीज हैंड डाउन कर ले, जो हमारा अभी इनकम जो आ रहा है, और ये एग्जैक्ट इनकम है, बिल्कुल सही सही एवरेज है, यही पैसा आता है। इस बात को मीटिंग के बाद में जिन लोगों को, अरुण मीना सर है, कुकरेजा सर है, भीष्म सर है, ये लोग इसको सर्टिफाइड करेंगे। आप सभी लोग हैंड डाउन कर ले प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है प्लीज, सुन रहे हो तो डाउन करें। थैंक यू, थैंक यू। इंद्रानी मैम प्लीज हैंड डाउन कर ले। थैंक यू। अब वो लोग से हम हैंड रेज चाहेंगे जो लोग ये एक्स वाई जेड हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जैसे हम लॉयर हैं, प्रैक्टिस करते हैं एज ए एडवोकेट, उसी तरह से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं, और सभी लोग, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से उन लोगों से हम हैंड रेज करना चाहेंगे जो लोग ये एक्स वाई जेड जो भी प्रोफेशन या बिजनेस या जॉब कर रहे हैं उसमें ये इनकम अर्न कर रहे हैं 50,000 से 70,000 रुपए। कोई हेजिटेशन नहीं करना है, जो लोग भी ये इनकम को अर्न कर रहे हैं प्लीज हैंड रेज करें। है, मेरे ख्याल से कुछ लोग बैठे हैं जो ये इनकम अर्न कर रहे होंगे। गुड, मंसूर आलम जी, इंद्रानी मैम, गुड। तो हम सब अभी देखे क्या कि हमारे पास 57 लोग है, उसमें से 25-30 लोगों ने हैंड रेज को किया कि हमें सेल्स मास्टर जाना है, और सेल्स मास्टर जाना है तो उसकी इनकम भी अगर पूछी गई तो बहुत सारे लोगों को हम देख पा रहे हैं कि शायद उन लोगों को अभी तक सही स्टिक पता नहीं कि सेल्स मास्टर पे इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि जिस गोल का हम पीछा करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं, उस पर कितना इनकम आती है। मैं जो इस बिजनेस को कर रहा हूँ डेफिनेटली पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है कि कोई भी आदमी जो एक्स वाई जेड ऑलरेडी काम कर रहा है और एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहा है या कर रहा है तो पैसे के लिए ही करता है। फर्स्ट मोटिवेशन फैक्टर पैसा ही होता है। अगर किसी काम में से अगर हम पैसे को हटा दें
तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो करेंगे। हाँ, कुछ लोग चैरिटी के रूप में जरूर करते हैं लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं कर पाते हैं। तो पैसा हमें जानना इस लेवल पे बहुत जरूरी है कि 50 से 70 हजार रुपए, 50 हजार 60 हजार 70 हजार रुपए डेफिनेटली आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। मिनिमम जो मैं निकाल रखा हूँ 56 हजार रुपए मिनिमम आते हैं। अगर 4-6 मैचिंग भी होती है और आप एजेंट लेवल पे जाके मैचिंग करते हैं तो 24 हजार रुपए और आपका मास्टरशिप बोनस 30-32 हजार रुपए आता है। तो मिनिमम 50 हजार तो आता ही आता है। और अभी हम हैंड रेज कराए तो हम में से बहुत कुछ एक लोग, इंद्रानी मैम थे, मंसूर आलम थे, कुछ लोग हैं जो इस ये पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अगर मेरे लाइफ में अगर इतना पैसा और ऐड हो जाए, जो हम 25,000-30,000 एवरेज इनकम लोगों की यही होती है, 25 से 40,000 50,000 मैक्सिमम, और इतना ही पैसा और हमें ऐड हो जाए हमारे इनकम में, तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? ये हमें रात को दिन को जागते उठते सोते ये सोचने की जरूरत है कि अगर 50,000 रुपए अगर मेरा जो भी एक इनकम है अगर उसमें ऐड हो जाता है तो मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही औसम होगा, बहुत ही औसम होगा और बहुत जबरदस्त होगा। अब दूसरी चीज है, हम चाहते तो हैं कि हम सेल्स मास्टर जाएं, हम चाहते तो हैं कि 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए हमारी इनकम हो जाए या हमारा एक्स वाई जेड जो भी प्रोफेशन है उसमें ऐड हो जाए, लेकिन उसके लिए हम काम करने को क्या तैयार हैं क्या? क्योंकि बिना काम किए हुए कुछ हासिल नहीं होता, काम तो करना पड़ेगा। और काम क्या करना है अभी आगे वाले सेशन में हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं वो बताएंगे काम क्या करना है, और वो जानना भी जरूरी है कि हमें करना क्या है। हम 20,000-30,000-40,000 रुपए के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम पार्ट टाइम में, क्या हम बिजनेस या जॉब या कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे हम लॉयर हैं तो क्या हम सप्ताह में 2 दिन कोर्ट जाते हैं? अपने से पूछने की चीज जरूरत है। अगर हम डॉक्टर साहब की बात करें, डॉक्टर एस कुमार के, तो क्या डॉक्टर साहब सप्ताह में 2 दिन क्लिनिक खोलते हैं? हम रेगुलर जाते हैं, चाहे वो बरसात हो या ठंड हो या कुछ भी हो, घर में वाइफ बच्चे बीवी बीमार होते हैं फिर भी हम अपने काम पे भागते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 20,000-30,000-40,000 रुपए 50,000 रुपए के लिए। और यही इनकम हमें चाहिए, तो क्या हम रेगुलर बेस पे इसको काम कर रहे हैं? अगर रेगुलर वे में, कंसिस्टेंट वे में अगर काम किया जाए तो ये अचीव हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने, भीष्म सर जान रहे हैं, एक्स वाई कंपनी में थे और वहां पे हम लोगों ने अचीव भी किया है। तो वहां बहुत ही इजी है, बट इजी चीज बहुत ही टफ होता है। इजी चीजें सबको समझ में नहीं आती और जो चीजें सबको समझ में आती वो चीजें होती भी नहीं है। तो हमें इजी चीजें समझनी है कि इसमें करना क्या है। अभी सीनियर टॉक होगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि करना क्या है। एक चीज हम जरूर बोलेंगे दोस्तों, 2 घंटा इस बिजनेस को करने के लिए और 1 घंटा सीखने के लिए लगा दीजिए। अभी 2-3 महीने है, पता नहीं कौन लोग कब ज्वाइन किए हैं, कितनी बड़ी टीमें हैं उनकी, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर अक्टूबर में क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अक्टूबर में क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं, बाकी लोग भी करेंगे आने वाले 1-2 मंथ में 3 मंथ में। मैं डैम श्योर बता रहा हूँ 63 लोग हैं, अगर आज जो चीजें बताई जाएंगी अगर वो चीजें अगर वो करते हैं तो जनवरी लेट टू लेट फरवरी सबको यहाँ सेल्स मास्टर होगा। क्योंकि अभी एटोमी शुरुआत हुई, अभी शुरू हुई नहीं है, शुरू होगी अभी 1-2 महीने से एटोमी बिजनेस। और इन शुरुआत के दिनों में ही आप अगर देखेंगे बहुत सारे सेल्स मास्टर हैं, 700 से ज्यादा हमारे पास सेल्स मास्टर हैं। तो जब कंपनी शुरुआत होगी तो पता नहीं कितने होंगे, हर महीने 700 ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों आप सब लोग जा सकते हैं। अब बात आती है सेल्स मास्टर तो जाएं, लेकिन उसमें पहला लेवल हम क्या करें? तो इसका पहला जो लेवल है, कितने लोग हैं जो 1321 के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज हैंड रेज करेंगे। अगर उनकी मैचिंग हो जाती है तो 4,000 रुपए के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? 3964 रुपए के लिए, जो लोग 1321 के लिए किए थे वो हैंड डाउन कर ले प्लीज। गुड, तो आप देख रहे हैं कि संख्या 4 3964 के लिए ज्यादा है। तो हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि हमें 3964 रुपए के लिए हैंड डाउन कर ले प्लीज। थैंक यू
हमें क्या करनी चाहिए कि हमें जो एजेंट लेवल है और एजेंट क्यों जाना है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि सेम मैचिंग आपका हम सब जानते हैं कि ये बाइंड्री प्लान है, जिन लोगों ने हैंडेज किया है डाउन कर लें, हम सब जानते हैं कि ये बाइंड्री प्लान है, बाइंड्री बिजनेस है और हमारे लेफ्ट राइट के बिजनेस से ही पैसा आएगा। तो सबसे पहले तो हम ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपने घर का प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करें एटोमी से। हम नहीं कहते एक दिन में आप 3 लाख पीवी कर लें, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे अपने घर का प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें। और दूसरा काम जो आपको करना है, अपने लेफ्ट राइट की टीम जरूर बनाएं, लेफ्ट राइट में टीम जरूर कोशिश करें। और उसमें आपको क्या करनी चाहिए कि आपका जो पहला लेवल और दूसरा लेवल पे जो मैचिंग है, अगर आप देखेंगे तो आपका मेहनत सेम है, 3 लाख पॉइंट लेफ्ट में और 3 लाख पॉइंट राइट में होते हैं, तो आपकी इनकम शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में हमारा 3 लाख पॉइंट लेफ्ट में और एक दिन में ओवरनाइट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें पहला लेवल कोशिश करना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी टीमें बढ़ रही है वैसे वैसे अपने पीवी को हम इंक्रीज करें और एजेंट लेवल क्वालिफाई करें दोस्तों, क्योंकि एजेंट लेवल पे 1321 के जगह पे आपको 4000 रुपए आएगी। और मैं आपको सच बताता हूँ, एटलीस्ट जो दिल्ली एनसीआर में है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में है, मैं डैम श्योर बताता हूँ कि 1300 रुपए के लिए वो माइंडसेट आती ही नहीं है दोस्तों, वो आती नहीं। मैं अपने टीम में कई लोगों से बातचीत करता हूँ, तो जो लोग रुके पड़े हैं, जो जिनका जो एजेंट के नीचे हैं, वो लोग ग्रुप में कम बात करते हैं, मीटिंग को कम प्रमोट करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को ऑफर आती है तो कम प्रमोट करते हैं। लेकिन जो लोग भी एजेंट लेवल अचीव कर लिए हैं, वो लोग मीटिंग भी प्रमोट करते हैं, मीटिंग में होते भी हैं, ऑफर भी प्रमोट करते हैं और उनकी मैचिंग भी निकलती है। क्यों? क्योंकि 4000 रुपए की एटलीस्ट वैल्यू तो है। अगर महीने में हम कहते हैं 2 मैचिंग भी अगर आने लगे, शुरुआत में 1 मैचिंग और कुछ दिन में के बाद अगर आपकी 2 मैचिंग भी महीने में आने लगती है, तो मैं दिल्ली एनसीआर का बताऊं, जो लोग रेंट पे रहते हैं एटलीस्ट उनके रेंट तो चले जाएंगे, रेंट का टेंशन नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जिनके बच्चे की फीस जा सकती है, लेकिन 2600 रुपए में 1300 रुपए में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्वालिफाई करना है एजेंट, और एजेंट जाकर के ही आप मैचिंग के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे। जब आप एजेंट जाएंगे तो आपकी मैचिंग की चिंता सताने लगेगी कि अब तो हम एजेंट चले गए यार, मेरे लेफ्ट में कितने पीवी हैं, राइट में कितने पीवी हैं। मैं अपने टीम में कई बार लोगों से बात करता हूं, सर अपना पीवी चेक किए हो सर, लेफ्ट राइट कितने हैं? कहे सर वो तो कई महीने हो गए सर चेक किए हुए। हम कहें कि यही तो गलती है कि आपका चिंता ही नहीं है कि आपको 4000 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि आप 1321 आपके माइंड में है। लेकिन जिस दिन दोस्तों 4000 माइंड सेट आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ रोज सुबह शाम जरूर चेक करने लगता है लोग कि हमारे 4000 की मैचिंग में कितने हम पीछे हैं। तो ये चीजें करनी है। और इसी के साथ मैं एक स्लाइड के साथ अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि कंपनी भी एजेंट लेवल को ही प्रमोट कर रही है, और एजेंट लेवल इज द प्रेस्टिजियस लेवल। हमारे कंपनी का जो मोटो है, अगर आपका स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप सब लोग, तो आप देखें कि दूसरा नंबर आप पढ़ सकते हैं, टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाई इनकम अर्निंग मेंबर एजेंट इन द वर्ल्ड। कंपनी का जो विजन है एटोमी का, वो भी यही है कि एजेंट लेवल पे मैक्सिमम लोगों को अर्निंग दिया जाए। कई बार आप हमारे एमडी साहब के स्पीच में या सीईओ साहब के स्पीच में आप सुने होंगे कि हमें लोगों को यहाँ करोड़पति बहुत ज्यादा बनाने की सोच नहीं है, एटलीस्ट इतना पैसा लोगों को कमाने की जरूर सोच है जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए। तो दोस्तों कंपनी का भी मोटो यही है कि एजेंट लेवल पे हम बहुत ज्यादा लोगों को अर्निंग दें, और एजेंट लेवल से ही आपका लिंकअप है सेल्स मास्टर। ये आगे के जो स्पीकर होंगे मे बी वो इसको क्लियरफाई करेंगे, क्योंकि आप एजेंट बनेंगे और आपका एजेंट बनकर के अगर 6 मैचिंग भी अगर आप निकाल लेते हैं, 5-6 मैचिंग 15 दिन के अंदर, यू आर ए सेल्स मास्टर, आप सेल्स मास्टर जा सकते हैं। तो दोस्तों एजेंट जाए जल्द से जल्द और अपने टीम में एजेंट क्रिएट करें, और यू विल विन वन डे, आप एक दिन जरूर जीतेंगे और सेल्स मास्टर जरूर बनेंगे। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवाब सर, स्पेशल एजेंट
हमारे थे दोस्तों अभी हमारे बीच नवाब साहब, उन्होंने आपको हमें बताया, देखिए कि हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई है कि सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया कि जब हम जॉब कर रहे हैं, हमने देखा कि 50,000 की अर्निंग जो कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 2-3 ही मेंबर थे इन 69 मेंबर्स में से, तो यानी कोई नहीं कमा रहा है महीने में। अगर हम 20-30 हज़ार रुपए नौकरी से कमाते हैं, नौकरी से दोस्तों सुनना, और वो भी सुबह 9 से लेकर 5 या 6 या 7 बजे तक, 20-30 हज़ार, नितिन जी आपकी आवाज फिर चली गई है। हाँ जी सर, यस 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 आ रही है। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि नवाब साहब ने अभी बताया हमें कि हमें क्यों ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए और किस लेवल से हमें एटलीस्ट एजेंट लेवल को हमें अचीव करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों सभी को, आपको जितने भी न्यू ज्वाइनी है या ओल्ड है, हमें ये करना है जल्दी से जल्दी दोस्तों। अब मैं हमारे आगे जो दूसरे गेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट पर्सनैलिटी मैन डॉक्टर एस कुमार, जो कि हमें बताएंगे कि हम अभी जो ऑफर्स आए हुए हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स के, उनको अवेल करके उनके बेनिफिट्स को लेके उस ऑफर को प्रमोट कैसे कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे हमारा एसएम का लेवल जो है सेल्स मास्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब को कि प्लीज सर आप आए और हमें अपनी प्रेजेंटेशन दें, और हमें बहुत धन्यवाद, आभारी रहेंगे आपके। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली, और आप सबको पता है कि एटमी का जो जलजला है वो आसपास हर जगह नजर आना शुरू हो गया है। तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा, कुछ हमारे आई थिंक नए गेस्ट भी आज हैं। तो सबसे पहले एटमी के बारे में जो चीजें हमें समझनी है वो कैसे समझनी है, मैं एक शेयर कर देता हूँ एक आपको PDF, और उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ और डेफिनेटली आप उसको समझें। और समझने का मतलब ही है कि आपको काम समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हमें काम क्यों करना है। देखिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि एक्चुअली एटमी ही क्यों करनी है। ऑफर्स के बारे में और पोजीशंस के बारे में नवाब साहब ने बहुत अच्छा चीज बताया अभी आपको। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि एटमी ही क्यों करने की जरूरत है। देखिए एटमी का एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, जितने भी नए लोग हैं उस चीज को ध्यान दें कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि एटमी ने हमारे को स्किन केयर लॉन्च क्यों किया, फेस से ऊपर के प्रोडक्ट लॉन्च क्यों हुए। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। सबसे पहले आप कुछ चीजें क्लियर कर लें, जितने भी नए लोग हैं चीजों को क्लियर कर लें कि एक्चुअली देखिए मार्केट में आप जब कहीं जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो सोचने की बात यह है कि एक्चुअली में आपका कौन सा पार्ट किसी को नजर आता है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के सामने जाते हैं तो आपका फेस ऐसा पार्ट है जो खुला रहता है, बाकी शरीर में कपड़ा होता है आपके, तो फेस ही ऐसी चीज है, बाल आपके ऐसी चीज है, आपके दांत आपके ऐसी चीज है जो एक्चुअली में सामने वाले को नजर आता है। अब हम इस पार्ट को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपके बाल बहुत ही रूखे होते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, आपके बाल कम होते थे सर पे, और अगर आपको एटमी के प्रोडक्ट से बाल आ जाते हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज बताइए और एक चीज सोचिए, क्या आपको एटमी का बिजनेस प्लान बताने की किसी को जरूरत है? आप जहां भी जाएंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है हमारी डाउनलाइन में, कि वो जहां भी जाते हैं उनसे एक ही सवाल किया जाता है कि जी आपके बाल कैसे आ गए। अब आप सोच के देखिए, ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपके बाल आ गए हैं कि ये बाल कहाँ से आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि एटमी के प्रोडक्ट से बाल आ गए हैं। तो सोचिए सामने वाले के अगर बाल नहीं है तो वो आपसे प्रोडक्ट का डिमांड करेगा या नहीं करेगा। ये सिंपल बिजनेस है एटमी का। एटमी के बिजनेस को किसी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटमी के बिजनेस को किसी तामझाम की जरूरत नहीं है। एटमी के प्रोडक्ट को यूज करना है और सिंपल आपने क्या करना है, खुद को प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपने एटमी के प्रोडक्ट को यूज किया और आप प्रोडक्ट बन गए, आप प्रोडक्ट बनने का मतलब होता है जैसे सर पे बाल कम है तो आपके बाल आ गए, सपोज आपके चेहरे पे
सनबर्न है, आपके चेहरे में ब्लेमिशेस हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, आपकी झुर्रियां आपके चेहरे पे पड़ गई है, तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें हट जाए तो आप जहां भी जाएंगे आपका बिजनेस आपके साथ रन करेगा। और जितने इंपीरियल मास्टर अभी तक बने हैं उन सब की जीवनी आप उठा के देख लीजिए, उनमें से किसी को नेटवर्किंग नहीं आती, उन्होंने किसी नेटवर्किंग का किसी का कोई इतिहास, लगभग 90% लोगों का इतिहास नहीं है जो इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं और आज 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और वो भी आपको बताऊं 8 लोग एटमी में कमा रहे हैं। अब मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं कि एटमी में 12 सालों में 8 लोग 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, एक कंपनी मुझे दिखा दीजिए, एक कंपनी मुझे बता दीजिए मार्केट की जिसमें 8 लोग 1 करोड़ रुपए कमाते हो, चाहे कंपनी को 20 साल हो गए हो, चाहे 25 साल हो गए हो, चाहे 30 साल हो गए हो, चाहे 70 साल हो गए हो, आप मुझे 8 लोग ऐसे दिखा दीजिए जो 70 लाख से 1 करोड़ रुपए अर्न करते हो। और कमाल की बात अभी बताई आपको, उसमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग क्या होती है और वो इतना पैसा कमा रहे हैं। वजह ये है कि जो पोर्शन उनका नजर आता है लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया फेस, हेयर्स, दांत, इन सब के प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया, उस वजह से उनके चेहरे पे चेंजेस आए, उनके बालों में चेंजेस आए, उनके दांत, कई लोगों के दांत गुटखा खाने की वजह से खराब हो गए, पान खाने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से खराब हो गए, एटमी के पेस्ट से वो ठीक हो गए और चमकने शुरू हो गए। तो आप मुझे बताइए कि आपको बिजनेस आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है। तो कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जो था कि कॉस्मेटिक्स जो स्किन केयर क्यों है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो सवाल आपके सामने सवाल बन के रह सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट एटमी में है, देखिए ऐसा है कि ये बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं उन्होंने, जिन्होंने भी कोई कंपनी पहले से ज्वाइन कर रखी थी या जो एक्सपीरियंस है, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा कि आप पहले प्रोडक्ट यूजर बनो तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोडक्ट यूज करना, साबुन, तेल, मिर्च मसाले, ये सब यूज करना किसी को नहीं पता आप ये यूज कर रहे हैं, लेकिन एटमी के प्रोडक्ट को अगर आपने यूज कर लिया ना तो लोगों को पता लग जाएगा कि आपने एटमी का प्रोडक्ट यूज किया है, क्योंकि वो आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यूज करना और वो दिखना दो डिफरेंट बातें हैं। हम हर महीने प्रोडक्ट यूज करते हैं बाकी कंपनियों का, लेकिन हमें कोई भी आज तक, आप बता दीजिए मुझे, जिसने भी नेटवर्किंग कर रखी है, एक पर्सन मुझे बता दे कि उसको किसी ने रोक के ये पूछ लिया हो कि आपका चेहरा तो बहुत चमक रहा है। उल्टे हमें ये सुनने को मिलता है, अगर हम कहते हैं आप वजन कम कर लो तो सामने वाले की कहते हैं आप अपना खुद का तो वजन कम कर लो, अगर हम चेहरे की बात करते हैं किसी कंपनी में तो लोग कहते हैं आप अपना चेहरा तो ठीक कर लो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी कंपनी से एटमी में, कि अगर आपने एटमी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया तो आपको बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे साथ एटमी करो, क्योंकि यहां एक्चुअल समझ आता है कि प्रोडक्ट यूजर बन के एक्चुअली क्या मिलता है। अगर आपने एटमी का प्रोडक्ट यूज किया और आपको खुद को ही बेनिफिट नहीं आता है तो मुझे बताइए क्या झूठे शब्दों से, झूठे वाक्यों से क्या आप अपना बिजनेस को क्रिएट कर लेंगे, क्या आप बिजनेस को बिल्डअप कर लेंगे। अब बात एक आती है दिमाग में कई सारे लोगों के कि बाकी कंपनी में कई सारे हैं जो अर्नर हैं, तो क्यों है, कैसे अर्नर है फिर आप? तो देखिए बाकी जो लोग अर्नर हैं जरा उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, आज उस कंपनी में उनको 20 से 25 साल हो गए और बहुत ही हीरो टाइप के लोग हैं वो। हीरो टाइप के का मतलब वो अपने 12 लाख को, 14 लाख को, 18 लाख को वो संभालने की कैपेसिटी है उनमें। क्या हर आम आदमी 12 से 14 लाख को संभाल सकता है जैसा कि जनरेशन प्लान में होता है? आपको यहाँ एटमी में सिर्फ 2 लाख को संभालना है और 2 लाख को संभालने के लिए सिर्फ 2 ही आदमी आपको चाहिए। तो यहां पर जितने इंपीरियल मास्टर बने हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे लोग हैं, उनको कुछ एबीसीडी नहीं पता, वो बड़े सिंपल और शालीन लोग हैं, उनको नेटवर्किंग के तामझाम नहीं पता और एटमी में आज वो 70 लाख से 1 करोड़ रुपए कमा रहे। तो एटमी जो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती है वो कॉन्सेप्ट एंटायरली डिफरेंट है बाकी कंपनी से,
बाकी कंपनी में आप माल को, लिटरली मैं बोलूं तो माल को आप सिर्फ उसको चिपकाते हो, आप टोपी पहनाने की कोशिश करते हो। लेकिन एटमी के प्रोडक्ट को अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके दिल से आवाज आएगी कि मुझे इस प्रोडक्ट को दोबारा इस्तेमाल करना है। आप वेट करोगे कि ये कब खत्म हो और कब मैं रीऑर्डर करूं। एटमी में एक खास बात होती है कि रीऑर्डरिंग कंपनी नहीं कहती, कंपनी रीपरचेज का नहीं कहती। तो कंपनी अगर रीपरचेज का नहीं कहती है तो 12 सालों के अंदर 12वां पोजीशन कंपनी का कैसे हो गया, क्योंकि ये रीपरचेज आप अपने खुद अपने मन से कर रहे हैं। आपके पास अगर आपका शैंपू खत्म हो जाता है तो आप इमीडिएट किसी और शैंपू को अपने बालों में नहीं लगाना चाहते हैं और आप इमीडिएट शैंपू ऑर्डर करते हैं। रीपरचेज की वजह से आज 12 साल में डीएसएन रिपोर्ट चेक करके देखे 2021, 12 सालों में 12वां रैंक एटमी का आ चुका है। एक भी इंडियन कंपनी ऐसी नहीं है जिसका 12वां रैंक हो, एक कंपनी है इंडियन जिसका 36th पोजीशन है। तो सोच के देखिए कि 12 साल के अंदर 12वां पोजीशन लेना और 75 कंट्रियों में मूव कर जाना और बिना रीपरचेज के, बाउंडेशन के, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या चीज है इस कंपनी की। तो उन प्रोडक्ट क्वालिटी में अगर एक प्रोडक्ट की मैं बात करूं जो हमारा है एब्सोल्यूट स्किन केयर। अब देखिए इसको समझाने से पहले मैं नवाब साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा कि इस कंपनी में सबसे पहला फेज, अगर आप वाकई बिजनेस करने उतरे हैं तो आप देखिए, आप अपने मन से सोचिए कि आज अगर मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं पर मंथ, हर 15 दिन में 70,000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वर्ड एक्चुअली गलत वर्ड है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट गलत इसलिए है कि जो भी प्रोडक्ट आप लाते हो उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हो, आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, या आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट कर देते। अभी अभी मैं बात करूं जस्ट 4 दिन पहले के, तो 4 दिन के पहले एक ऑफर था, एक फ्रेम के साथ एक फ्रेम फ्री। अब देखिए कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन किया है किसी ने एटमी को और एक फ्रेम सेट का उसने ऑर्डर दिया, और एक फ्रेम का सेट का ऑर्डर का MRP अगर बात करूं तो 9,100 रुपए है, 9,100 रुपीस, और आपको DP प्राइस उसको मिलता है आपको लगभग 7,906 रुपए में। तो एक अगर आपने फेम का सेट को सेल किया तो आपको 1,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली बच गए, और दूसरा फेम का सेट अगर आपने जो फ्री में आया उसको अगर सेल कर दिया तो अगेन आपको 9,100 रुपए आ गए। इसका मतलब है इस ऑफर को जिसने भी लिया वो 10,000 रुपए एटमी से कमा लिया उसने 15 दिनों में। अब आप सोचिए, जरा क्वेश्चन मार्क लगाइए अपने दिमाग पे, जो भी लास्ट कंपनी का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप 10,000 रुपया किसी को भी ज्वाइन करते ही कमाना सिखा सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जो प्रोडक्ट उनके पास है, चाय, कॉफी, मिर्च मसाले, तेल, ये किसी को भी आप जब नहीं दे सकते, क्योंकि ये नीड कहीं से भी पूरी हो सकती है। आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम ये वाला हमारा मिर्च ले लो, आप किसी को भी नहीं कह सकते ये वाला तेल ले लो, लेकिन हाँ अगर उसके चेहरे पे पिंपल्स हैं, उसके चेहरे पे रिंकल्स हैं, उसके चेहरे पे ब्लेमिशेस हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कह सकते हैं आप ये प्रोडक्ट यूज करो, तुम्हारे को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए अगर आज ही किसी ने कंपनी ज्वाइन करी है, आज ही कंपनी ज्वाइन करी है, आज सेम डे वो 10,000 रुपए कमा सकता था उस ऑफर में। अगर एक सेट लिया, अगर उसने 2 सेट लिया होता तो वो 20,000 कमा सकता था, अगर उसने 3 सेट लिया तो वो 30,000 रुपए कमा सकता था। सोच के देखिए 30,000 कमाने में दूसरी कंपनी में जितनी भी आपने कंपनी देखी है 30,000, और यहां आपको सिर्फ 3 फेम का सेट देना है, और उसके बाद कमाल क्या है, जिसको भी आपने फेम का सेट दिया आप फिर आगे वो आपके पीछे पीछे, क्योंकि उसको रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद वो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। और ऑर्डर करने के लिए आपने क्या करना है, बड़ा स्मार्ट सा काम करना है, उसकी ID लगानी है और उसको कहना है आप अपनी परचेजिंग आप खुद कर लो। मतलब क्या हुआ, एक फैमिली भी आपसे ऐड हो गई, आपको MRP रिटेल का बेनिफिट भी हो गया, आपका कोई भी मंथ कमाई के बिना नहीं गया और आपकी एक फैमिली भी आपके साथ ऐड हो गई। ये है एटमी। बहुत ही छोटे शब्दों में एटमी को समझें तो एटमी बस इतना ही है।
कि आपने किसी को कोई भी प्रोडक्ट दे दिया गलती से, एक ब्रश पेस्ट भी दे दिया। मैं आपको बात करूं, कॉफी लॉन्च हुई है, वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी लॉन्च हुई है, एक कप कॉफी पिला तो देना आप किसी को। एक कप कॉफी पीने के बाद अगर पूरे दिन उसको सुस्ती आ गई ना तो बेकार है। पूरे दिन हालत उसकी ये होगी कि किसी ने पंख लगा दिया है और आकाश में वो उड़ रहा है। एक कप कॉफी से पॉसिबल है, सिर्फ 10 रुपए की पड़ेगी एक कप कॉफी आपको, क्योंकि एक पाउच में तीन बड़े आराम से कप बन जाएंगे। एक पाउच का लगभग 33 रुपए दाम है, तो मतलब एक कप का 10 रुपए में आपको एक कप कॉफी की होगी। तो आप सोच के देखिए, 10 रुपए में आपको ऐसी चीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसके बेस पर आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। और एक बार आपने दिल जीत लिया ना, कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और एक बार कनेक्शन बन गया तो आपको छोड़कर वो नहीं जाएगा। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को डील करने से पहले कुछ और बात बताता हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी। देखिए, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया था, उस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया था, उन्होंने मान लिया, उस कंपनी को छोड़ दिया, तो आप देखिए क्या उसके घर में राशन नहीं आ रहा, वो वापस पास की दुकान में चला गया। और एक स्लोगन होता है, आज जितनी भी कंपनी मार्केट में है उसमें एक स्लोगन है कि पास की दुकान से दुकान को छोड़ो, दुकान बदलो। सिंपल एक स्लोगन बना दे, दुकान बदलो। तो पास की दुकान को छोड़कर अगर वो आपके पास आया है तो क्या आपकी दुकान को छोड़कर क्या पास की दुकान में वापस नहीं जा सकता? लेकिन अगर एटमी का सामान एक बार उसने ले लिया तो छोड़ के दिखा दे। और अगर वो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। और अगर आपका बिजनेस डाउन नहीं जा रहा, इसका मतलब डेफिनेटली आप पैसा कमाएंगे। बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, पास की दुकान को छोड़ो, हमारे से लो तो हमारी दुकान को छोड़ के पास का कभी भी चला जाएगा। और ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स आपके पास होंगे जो आपसे जुड़े, आपसे सामान लिया 5 महीना 6 महीना, फिर उसने कंपनी छोड़ दी आपकी और वापस उसी दुकान में रिटर्न हो गया। आप एटमी के शैम्पू को छोड़ के पास के शैम्पू से लेके आप नहा के दिखा दीजिए, मान जाएंगे। ये डिफरेंस है बाकी कंपनी और एटमी में, जो आपको समझने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं, बहुत मोटी मोटी बात करता हूं। आपने अभी नवाब जी ने बोला एजेंट बनना है, एजेंट बनना चुटकियों का खेल है, एटमी में चुटकियों का खेल है। आपने क्या करना है, एक एब्सोल्यूट ऑर्डर करना है अपने लिए, 2 लाख पीवी। सोचिए 17,000 रुपए में 2 लाख पीवी, और आपको सिर्फ चाहिए 3 लाख पीवी। और एक आपने क्या किया, फ्रेम का सेट ऑर्डर कर दिया, 1 लाख पीवी आपको वहां आ गए, मतलब 3 लाख पीवी हो गए। और सिर्फ आपको कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 17,000 और लगभग 8,000, 17 और 8, 25,000 में आप कंपनी में एजेंट बन गए। और पूरी जिंदगी 4,000 रुपए आप मैचिंग का कमा सकते हैं। और उस फेम के सेट को और एब्सोल्यूट को आपने या तो यूज किया या आपने बेच डाला, और बेचा तो पैसे आपके पास वापस आ गए। 0 इन्वेस्टमेंट में आप 4,000 रुपए कमाने वाले बन गए पूरी जिंदगी के लिए। उसके बाद एटमी रूल के हिसाब से अगर आप अपने जीवन में कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं तो भी आपकी इनकम कभी भी नहीं रुकेगी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आपकी इनकम आपकी परचेजिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। एक बार जो आपने लेवल लिया वो लेवल आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, उस लेवल के हिसाब से सारी जिंदगी आपको पैसा मिलेगा। तो एक बार एजेंट बन गए तो 4,000 रुपए आपके फिक्स हो गए, जब जब लेफ्ट राइट में मैच होगा 4,000 रुपए आपके खाते में आ जाएगा बिना मांगे। सोच के देखिए, 30 दिनों में अगर 10 मैचिंग करने में भी सक्सेस हो गए, 40,000 रुपए आपके पास आ गए। 40,000 रुपए दूसरी कंपनी में महीने में एक बार आपको नजर आता है, वो भी बहुत जूते रगड़ने के बाद। और यहाँ आप सिर्फ 10 मैचिंग करके 40,000 कमा सकते हैं, या जैसे मैंने आपको तरीका बताया, 4 फ्रेम के सेट को बेचकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट सेट को मोटा मोटा समझने की जरूरत है कि एब्सोल्यूट सेट हम किनको दें, क्योंकि आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, टाइम लिमिटेड है। एब्सोल्यूट उसको दें जिसको क्लियर कट आपको पता चल रहा है, 40 साल से ऊपर का पर्सन है, उसको आपके चेहरे पे, उसके चेहरे पे क्या हो रही है, स्किन उसकी लटक गई है, पोर्स बहुत ज्यादा उसके चेहरे पे नजर आने शुरू हो गए हैं और रिंकल्स उसके फेस पे आ गए हैं। 3 मोटी मोटी चीज आपको जहां दिखाई दे वहां आप एब्सोल्यूट का सेट दे दो। याद रखेगा वो कि किस बंदे से पाला पड़ा था मैं, और आपको वो बहुत ही दिल से इज्जत करेगा, क्योंकि ये चीज जो आपने उसको दी, ये आपने वर्ल्ड की बेस्ट चीज उसको दे दी। अब मैं बात करूं इवनिंग केयर सेट की, आप इवनिंग केयर सेट हर उस पर्सन को दें जो ब्लेमिशेस से परेशान है, झाइयों की जिसको समस्या हो रखी है,
स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, तो इसमें डिप क्लींजर और फोम क्लींजर है जो स्किन के डेप्थ पे जाके सारे गंद, सारा पोल्यूशन, सारा डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देगा, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल सारा बाहर आएगा उसको पिंपल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ब्लेमिशेस जिसका वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इवनिंग केयर उनको दें, आप देखिएगा 15 दिन के बाद से उसके चेहरे पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। और ये आपने सिर्फ 2800 रुपए आपको लगाना है, 2855 रुपए, 16,000 पीवी मिलेंगे आपको। मैं यहाँ थोड़ा पीवी कंपैरिजन बता देता हूँ, आप 5000 रुपए का सामान अगर किसी और कंपनी में लेते हैं तो आपको 100 पीवी मिलता है, और यहाँ अगर सिर्फ 2800 का सामान ले रहे हैं तो 16,000 पीवी आपको मिल रहा है। सोचिए 5000 रुपए लगा के 100 पीवी मिलेगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, या आप 5000 रुपए लगा के 25000 पीवी मिलेगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, जहां पीवी ज्यादा होगा वहां डेफिनेटली आप पैसा ज्यादा कमाएंगे, और इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको मैं बाद में दे दूंगा। इसके बाद ये है फेम का सेट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फेम का सेट का ट्रेवल किट है। आप अगर कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने तो ये फेम का ट्रेवल किट ले सकते हैं, और ये आपको बहुत ही सस्ते में 3,776 रुपए में मिलता है, और एक पर्सन पे ट्रेवलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 साल तक खत्म नहीं होने वाला, और इसमें 25,000 पीवी आपको मिलने हैं। सोचिए अगर इस 25,000 पीवी के ऐसे 12 सेट आपने ऐसे लोगों को दे दिया जो ट्रेवलिंग में होते हैं, आप तो एजेंट बन गए, और घर से आपको कोई पैसा भी नहीं लगा, और 4,000 रुपए पर मैचिंग इनकम के आप दावेदार बन गए। इसके बाद मैं बता रहा था कि फेम का स्किन केयर सेट अभी इस समय इसमें ऑफर है, एक फेम का सेट आप लें सिर्फ 7,906 रुपए आपको लगने हैं, और आपको 1,00,000 पीवी मिलने हैं। मतलब 3 फेम का सेट अगर आपने सेल आउट कर दिया तो आपको एजेंट आप बन गए, और आपको 3,300 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट हो गया रिटेल और एमआरपी में। तो ये एक बिजनेस है जिसको बिजनेस के तरीके से करना है, हमें कि नेटवर्किंग के तरीके से इस बिजनेस को नहीं करना है। एटमी एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस लाइक अमेजोन, और हमें बिल्कुल उसी अंदाज में सोचना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में सबको भूल जाओ, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो कि मुझे यहाँ पैसा कमाना है, ये मेरी दुकान है, इसमें मैंने सामान ला के इकट्ठा किया है, इसे मुझे बेचना है, और आप जितना बेच सकते हो आप बेचो, लेकिन यहाँ बेचना सिर्फ आपको एक पर्सन को एक बार पड़ेगा, दोबारा वो आपके पीछे पीछे और आप उसके आगे आगे। बेचने में बड़ा फर्क है, एक ही पर्सन को बार बार बेचना वो फिर सेल्समैन का काम हो गया, यहाँ एक पर्सन को सिर्फ सामान देना है, मतलब सामान से इंट्रोडक्शन करवाना है उसको, सिर्फ आपको उतने तक का सेल है, एक पर्सन को दोबारा आपको कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, बेचना वर्ड भी यहाँ पे एक्चुअली में गलत हो जाएगा, ये प्रिस्क्रिप्शन समझ लीजिए आप डॉक्टर वाली, कि आपने एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया, आईडी नहीं है इसलिए आपने अपने पास से उसको दे दिया, तो एग्जैक्टली सेल वर्ड यहाँ कहना गलत हो जाएगा। तो एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्ट से, उसके बाद मैं आपको जैसा कह रहा हूं आप आगे आगे और वो पीछे पीछे, बड़ा मजा आएगा आपको काम करके, जब लोग आपके पास कॉल करेंगे कि बताइए सर मेरे परिवार में इसको ये प्रॉब्लम है क्या दूं, उसको वो प्रॉब्लम है क्या दूं। दूसरी कंपनीज में अगर आप देखेंगे हर महीने आप फोन कर करके आप थक जाते हैं, यहाँ आप फोन उठा उठा के मजे लेंगे, ये फर्क है दूसरी कंपनी और एटमी में। जितनी जल्दी जो समझ जाएगा उतनी जल्दी वो मैदान मार लेगा। और अभी आपको बताऊं जबरदस्त ऑफर है कि कोई भी पर्सन अगर एजेंट बनता है इस मंथ राखी के अवसर पे कंपनी ने बड़ा जबरदस्त आपके लिए चीज निकाली, इस मंथ अगर कोई भी एजेंट बनता है कंपनी उसको 9,100 रुपए का फेम का सेट फ्री देगी गिफ्ट। ये आपकी पहले मंथ की पहली कमाई होगी, जिसने आज भी कंपनी ज्वाइन करी है उसकी अर्निंग इस मंथ 9,100 रुपए डेफिनेटली होगी, अगर वो एजेंट बन गया। एजेंट बनने का मतलब 3,00,000 पीवी करना, 3,00,000 पीवी करने का मतलब एक एब्सोल्यूट और एक फेम का परचेस करना, एक बस 2 आइटम परचेस करें आप एजेंट बन जाएंगे, और आप 9,100 रुपए का सामान कंपनी आपको फ्री में देगी, जिसको आप सेल करके वो इनकम इस मंथ का क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत जबरदस्त वंडरफुल इंफॉर्मेशन दी है, नॉलेजेबल जबरदस्त प्रेजेंटेशन भाई सर आपकी, और आपने बताया कि हम कैसे इन ऑफर्स का फायदा उठा के न्यू ज्वाइनी आल्सो वो कैसे इस ऑफर का फायदा उठा के अपना आप एजेंट लेवल अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। समय को देखते हुए मैं अब हमारे अगले जो हैं लीडर्स, अगर अगले प्रेजेंटर हैं उनको मैं इन्वाइट करूँगा, वो हमारे इस एटॉमिक टीम के WTI के वन ऑफ द मेन पिलर हैं दोस्तों, और मैं बताने जा रहा हूँ, बुलाने जा रहा हूँ भीष्म चौहान जी को। भीष्म चौहान सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज आप बताएंगे कि हम कैसे अपनी टीम को इस ऑफर्स के साथ साथ अपनी टीम को कैसे बना के बढ़ सकते हैं सो दैट कि इस SM लेवल को हम अचीव कर सके सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, भीष्म सर। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड और बेस्ट होस्टिंग, एंड थैंक यू दोस्तों, हमारे जो पहले स्पीकर थे ग्रेट शुरुआत करी हमारे नवाब साहब ने, एंड समा बांध दिया डॉक्टर एस कुमार ने। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि किस तरीके से हम लोग टीम को एक साथ लेकर के और जो हमारा टारगेट है सेल्स मास्टरशिप उसको अचीव किया जाए, और इस महीने में इन ऑफर्स को लेकर के अपनी मैचिंग को कैसे बढ़ाया जाए उस पर मैं बात करूंगा। देखिए जो अभी ऑफर हमारे पास चल रहे हैं बताया डॉक्टर एस कुमार ने, बताया नवाब साहब ने, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, यदि आप इन ऑफर्स को लेकर के खुद यूज करते हैं तो आपकी जो पर्सनलिटी है वो बहुत ज्यादा निखर के आएगी। मेरे सामने बहुत सारे नाम आ रहे हैं लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर अमरजीत, मनीषा हेवरे मैडम और बहुत सारे लोग। इवन मैं भी यदि कंटिन्यूसली यूज करूं, मैं बताऊं आपको कि बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल आई एम नॉट गोइंग, एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग रेगुलरली, बट श्योरली यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को स्पेशली द फेम इवनिंग केयर सेट एंड एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, इनमें से कोई भी एक और इवनिंग केयर सेट के साथ यदि इसको यूज करेगा तो नो डाउट उसकी पर्सनैलिटी रियलिटी में बहुत डेवलप हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़े से कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो साइकिल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ। मेरा नाम भीष्म चौहान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो सभी जानते हैं, और आज इस मीटिंग में नए लोग बहुत सारे हैं मैं देख पा रहा हूँ। मैंने 18 साल एमवे में काम किया है और एक बहुत ही प्रेस्टीजियस लेवल पे मैंने एमवे को रिजाइन किया है। मैं एमरल्ड था और मेरी वाइफ दोनों, हम लोग एक साथ काम करते थे वहाँ पे। मेरी वाइफ पिछले 15 सालों से और मैं 19 सालों से उस प्रेस्टीजियस बिजनेस में प्रेस्टीजियस लेवल पे था। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों मैंने एटॉमी चूज किया, लेकिन 16 तारीख से जब ये ऑफर स्टार्ट हुआ तो हम लोग पिछले कुछ साइकिल से ऑफर्स की बौसार देख रहे हैं, कंपनी हमें बहुत अच्छे ऑफर्स दे रही है, लेकिन स्पेशली इस साइकिल में हमारे लीडर्स ने इन ऑफर्स को बाह खोल करके लिया है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है। क्यों पसंद किया है? क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा दा फेम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100-100%, लेकिन हाँ 70-80% रिजल्ट किसी भी प्रोडक्ट के यदि उनकी रेटिंग देखी जाए तो वो बहुत अच्छी रेटिंग होती है। 70-80% मतलब 7-8 stars यदि दिए जाएं तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी रेटिंग होती है। उसी तरीके से हमारे दा फेम की, स्पेशली दा फेम, और अब तो एक ऑफर और आ गया है एब्सोल्यूट के ऊपर और इवनिंग केयर सेट के ऊपर, तो ये शुरुआत करी और 7 दिनों के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हमारे लीडर्स ने इसको बहुत ही बखूबी लिया। मैं उनके बहुत जल्दी नाम लेना चाहूँगा, और एक चीज और बता दूँ, बड़ा मजा आ रहा है। मैं जब अपनी इंक्लूडिंग एस कुमार, नवाब साहब और अरुण मीना जी, जब वो देखते हैं ना PV लिस्ट देखते हैं, तो
हम लोग सच बता रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैग्रेशन, दिस इज नॉट एनी प्राइड, दिस इज प्राउड मोमेंट एक्चुअली. दिस इज यू कैन से वी आर प्राउड, वी आर प्राइडली से कि ऐसे लोग हमारे बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं जो अपने आप ऑर्डर कर रहे हैं. आप ऑटो की तरफ जाना चाहते हैं ना, रियली वो समय अब हम देख पा रहे हैं. नो डाउट बहुत जल्दी आप भी देखोगे उस ऑटो वर्ड को कि ऑटो ऑर्डर कैसे होते हैं, ऑटो कंज्यूमर कैसे आते हैं. तो उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगा, शुरुआत की हमारे ग्रेट लीडर, हमारी ग्रेट लीडर पूनम सिंधे ने. उन्होंने 60,000 पीवी का एक ऑफर डाला, एक के साथ एक फ्रेम लिया 60,000 पीवी. मोनिका गुप्ता, यू नो 60,000 प्लस, सब ने 60,000 प्लस. रविकांत प्रसाद, किरण झवर, ममता मोंगा, पैडन प्रधान, ये वेस्ट बंगाल से हैं आई थिंक सो, प्रिया शर्मा, पूनम लाखन पॉल लंदन से हैं, उन्होंने 93,000 का ऑर्डर किया, 93,750 पीवी का. सुनील दत्त पांडे, इंदु गर्ग, सारिका सलवानी, आयुषी गुप्ता, अनिल कुमार, दीपा सोमानी, कल्पना देवी गौंड, रविंदर कुमार, ज्योति पांडा, विभा कुमारी, जसप्रीत वालिया, रीना एंड हरीश, दीपा सोमानी अगेन 60,000. देखिए दो दो ऑफर लिए हैं लोगों ने, चार चार सेम सेट लिए हैं. सोनम हैं, बबलू, अजय कुमार, ये अमरजीत जी ने पीवी डाले थे, और हेमा सारदा, सुलोचना वाइफ ऑफ सत्यवीर, मनीषा मैती, मोनिका गुप्ता अगेन दूसरा फेम देखिए ऑफर लिया इन्होंने, प्रिया देवी सारदा, गायत्री साहू वाइफ ऑफ विपिन साहू, दिनेश रंगा जी, सुमती प्रकाश जी, शिवानी छाया अग्रवाल. कहने का मतलब ये है कि कितने ज्यादा लीडर्स ने इन ऑफर्स का फायदा उठाया है. माय डियर फ्रेंड्स, ये नाम ऐसे नाम है जिन्होंने अपने आप को एजेंट की तरफ बढ़ाया है, क्योंकि एजेंट बनना आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया, नवाब साहब ने बताया कि कितना जरूरी है. मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अचानक नहीं होता है, ये टीम के साथ होता है. टीम बिल्डअप करनी पड़ती है, रिलेशंस बिल्डअप करने पड़ते हैं, टीम के साथ रेगुलर आपको कन्वर्जेशन करनी होती है, रेगुलर टच में रहना होता है, टाइम लगता है. एक एड देख रहा था मैं, टाइम लगता है. यस माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लगता है. हो सकता है एक साल लगे, हो सकता है छह महीने लगे, हो सकता है दो साल लगे, लेकिन ऐसे लेवल पे आना जहां पे आप 15 दिन में 25-25 लाख, सॉरी पहले 7 दिन में, पहले 5 दिन में, पहले 6 दिन में 25-25 लाख पीवी करके बैठ गए, जिसे हम लोग समझ के आए थे, जिस बिजनेस को इस बिजनेस में जिस बात को समझ के आए थे कि यस पैसिव इनकम आएगी. पैसिव इनकम क्या होती है? जब आप काम ना करें तब भी पैसे आए, तभी भी इनकम आए. लेकिन ऐसा नहीं है कि काम ना करें, हम लोग काम तो इम्पीरियल मास्टर बनने के बाद भी करेंगे, काम तो हमारे रग रग में है, तब भी करना पड़ेगा. तब क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि किसी को इम्पीरियल मास्टर निकालना है, किसी को रॉयल मास्टर निकालना है, किसी को क्राउन मास्टर निकालना है. लेकिन बात है ऑटो पायलट की. सोचिए हमारा छोटा सा बिजनेस है, अभी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन इसी बिजनेस पे यदि आप देख पाए, कंपनी की सपोर्ट बहुत रहेगी, नो डाउट इन इट. अभी तो हमारे मेन प्रोडक्ट तो आए नहीं, अभी अरुण जी बात करेंगे इस बारे में, हमारे तो मेन प्रोडक्ट तो आए नहीं है, अभी तो हमारे पास सप्लीमेंट नाम की कोई एक भी प्रोडक्ट नहीं है. सोचिए तब है ये इतना ज्यादा ऑटो बिजनेस. बहुत अच्छा लगता है आपको जब, अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, जब आदमी 7 दिन में सेल्स मास्टर के पीवी ले लेता है, उसके बाद क्या है? फ्री आपको, मतलब आप फ्री हैं, आप टीम में काम कर सकते हैं, आप टीम में बात कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं. तो कहने का मतलब है अपनी ग्रोथ. मैं इस हफ्ते देख पाया, इस पीछे हफ्ते देख पाया कि जितनी टीम में मैचिंग दिलाने में खुशी होती है ना, उतनी पर्सनल भी खुशी नहीं होती. सच बता रहा हूँ, ये मैंने इन 7 दिन के पीरियड में सीखा है. आई वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग. कई लोगों की मैचिंग आ रही है, कई लोगों की मैचिंग आ रही है. तो उसमें क्या है, जब आप एक स्टेज पे ऐसे पहुंच जाते हैं कि आप हेल्प करते हैं, आप केवल
बातों में मशगूल हो जाते हैं, आप फैमिली की बात करते हैं, आप पर्सनल रिलेशन की बात करते हैं, आप फैमिली में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको बहुत ही दिल की खुशी मिलती है, सच बता रहा हूँ आपको। तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी टीम के साथ, हम लोगों को अपनी टीम के साथ, ओके, हम लोगों को अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा बात करनी है। अब देखिए, टीम में लीडर क्रिएट करना आपका सबसे पहला काम होता है। एजेंट जाना, नो डाउट इन इट, स्पेशल एजेंट जाना, नो डाउट इन इट, लेकिन टीम में यदि हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, टीम की आपने फुल फॉर्म देखी होगी, टुगेदर एवरीवन अचीव मिरेकल्स, ओके। यदि हम लोग किसी बात को लेकर के, अब देखिए हो सकता है ये ह्यूमन माइंड है, लेकिन यदि आपके अंदर टीम की ग्रोथ है माइंड में, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली ग्रो करेंगे और सक्सीड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई, मैं सीधी बात करता हूं, ईगो आ गई, नहीं यार मैं क्यों बात करूं इनसे, मेरा क्या मतलब है, मेरे तो पीवी हो रहे हैं या पीवी नहीं हो रहे हैं, मेरे पीवी नहीं होंगे इस महीने तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं नहीं आपको क्या करना है, आपको हर लेवल पे, नीचे लेवल पे जाकर के, इवन मैं बात करूं, मेरी बात करूं, तो मेरे को भी जरूरत है। ऐसा नहीं आपको, आपको मतलब है, आप समझ सकते हैं आपको क्यों बोलते हैं, मतलब एक एक यू नो एक रिवाज सा आ गया है कि आपको, आपको मतलब है, डेफिनेटली मेरे को जरूरत है ज्यादा, टीम लीडर को ज्यादा जरूरत है। अभी मैं देख पा रहा हूं कि अभी हमने आज थोड़ा सा एक्सक्लेरेशन किया टीम के अंदर, तो आप देख रहे हैं 70 प्लस लोग थे, और ये 100% भी हो जाएंगे, नो डाउट इन इट, हम एक हफ्ते के अंदर 100 भी करेंगे इस नंबर। लेकिन व्हाई इट बिकेम, व्हाई इट डिड सो, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि नीचे लेवल पे जाकर के हमने बात, लीडर्स की ग्रोथ में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया, अपनी ग्रोथ तो देखो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आपको पता ही है, यदि हम लोग यू नो डाउन में काम करेंगे तो अपने आप को तो उठना ही है, नो डाउट इन इट, लेकिन लेकिन यदि हम लोग हर व्यक्ति को एक ऐसा माहौल देंगे, यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ एंड इट हैज टू बी सॉन टू अस, हमें दिखाना होगा इस चीज को, हमें करना होगा ग्राउंड लेवल पे काम। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रियली हर किसी, आज बहुत सारे लोगों से बात होंगे, बहुत सारे लोगों से बात होंगे, तो टाइम लगेगा और टाइम निकालना होगा आपको, मेरे को इतनी बड़ी, आप देख रहे रिवॉर्ड्स कितने बड़े हैं, यदि आप सेरन रोज मास्टर जाएंगे तो वहां से फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाएंगे, और पिछली कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर साहब भी पिछली कंपनी की बात कर रहे हैं, मेंटेन करना पड़ता है बहुत महीने, मतलब मैं बताऊं तो पिछली कंपनी में हमारे 6 महीने मेंटेन करना होता है फॉरेन ट्रिप के लिए, नवाब साहब फॉरेन ट्रिप लेकर के आए हैं, उन्हें पता है 6 महीने मेंटेन करना पड़ता है, और यहाँ पे कितना मेंटेन करना पड़ेगा, यदि पहले महीने ही सेरन रोज मास्टर हो गए तो यू विल हैव द फॉरेन ट्रिप, नॉट ओनली यू, मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है, हालांकि हम जिस कंपनी में थे उसमें ऐसा नहीं था, बट बहुत सारी कंपनियों में देखा है, यदि आपने अचीव किया है तो आप जाओ जी बिजनेस ट्रिप पे, लेकिन यहाँ पे फैमिली ट्रिप मिलता है, फैमिली ट्रिप मतलब हस्बैंड वाइफ का ट्रिप मिलता है, और एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो आपको हस्बैंड वाइफ दो बच्चों के साथ भी मिलेगा, नो डाउट कल हम लोग इसमें प्लान की बात करेंगे, जो नए लोग हैं प्लान हम लोग उनको दिखाएंगे। तो माई डियर फ्रेंड्स, ज्यादा बात ना करते हो, केवल एक बात करूंगा कि जो ये 23 तारीख से 27 तारीख के ऑफर्स हैं, टीम में हर पर्सन को बताएं, कॉल करके बताएं, उनको हेल्प करें, ये पीवी तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके साथ साथ 31 तारीख के एंड तक यदि 3 लाख पीवी कर लिए तो एक फेम और आएगा, और जिस फैमिली में वो फेम देंगे उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी कहाँ से ज्यादा डेवलपमेंट होती है,
फेस से, आपके फेस से कोई चेहरे में दाग ना हो, आपका चेहरा निखर रहा हो, ओके। तो ये जो ऑफर का पीरियड है 24 से 27 तारीख है, और टीम में हर बंदे को बताएं जो नहीं परचेज कर रहा है उसको भी, इसके इस बहाने आप क्या कर लेंगे, इस बहाने आप उनसे बात भी कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, टुगेदर एवरीवन अचीव मिरेकल्स। टीम एक साथ यदि काम करेगी तो हर बंदा मिरेकल अचीव करेगा, अविश्वसनीय है, अब कहते हैं ना अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट नितिन शर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर, आपने सही बात कही कि टीम के साथ मिलकर ही हम अचीव कर सकते हैं सब कुछ चीजें इस एटोमी के अंदर। और दोस्तों जैसा कि डॉक्टर एस कुमार की एक बात थी, मैं स्किप कर गया था, जो मुझे अभी पीछे याद आई कि ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, इसमें यानी मनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही कहा डॉक्टर साहब ने, मनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका टाइम और आपकी एनर्जी है, ये दो इन्वेस्टमेंट है, पैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक मिनिमम पैसा लगा के आप मैक्सिमम चीज भी कमा सकते हो दोस्तों, ऐसे साधन भी है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसकी तहों के से परिचित होंगे सब चीजों से, तब आप समझ पाएंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप कैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों जो 4,000 रुपए थे वो आपने ही खा लिया, अपनी जिंदगी भर आपके बाद आपके पुत्र या पुत्री, आपका बेटा या बेटी और फिर उनका बेटा या बेटी, यानी कि 3 जनरेशन तक कमा सकते हो दोस्तों। सो बहुत ही अमेजिंग चीज है दोस्तों ये हमारी एटोमी कंपनी। तो मैं आप और देर ना करते हुए नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे महागुरु अरुण मीना सर जी, जो हमें बताएंगे कि हम 31 अक्टूबर तक कैसे सेल्स मास्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को बनाएं ऐसा कि उस 31 अक्टूबर को तक हम कैसे सेल्स मास्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महागुरु अरुण मीना सर जी, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू नवाब जी, डॉक्टर साहब और विषम जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया है और बहुत शानदार जिसको कहते हैं इस मीटिंग का टॉपिक है। आप लोगों को सबसे पहले मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा है और लिखा है और समझा है, एक मोटा मोटा सा सबसे पहले मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी कंपनी को केवल और केवल 9 महीने हुए हैं अभी। 9 महीने में कितने लोगों ने अचीवमेंट ली है ये आप लोगों को पता है सॉरी। और सेल्स मास्टर की इनकम नवाब जी ने देखो कि आप सबसे पूछ लिया, 70,000 तक आप कमा सकते हो। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत सबसे बेस्ट बात बताई कि जिसको कहते हैं प्रोडक्ट आप खुद बन जाइए, ऑटोमेटिक बिजनेस होने लग जाएगा। हम लोग ज्यादातर लोग, मतलब प्लीज उसको कोई बुरा ना माने, सबको मैं बोल रहा हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, जैसे विषम जी ने बोला टाइम की वजह से हम लोग प्रोडक्ट खुद नहीं बन रहे हैं, मतलब कि हमारे पास सामान होते हुए भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उस सामान को खुद यूज करने लग जाए ना, तो सच बता रहा हूँ अपने आप जिसको होते हैं वो पूछेगा ऐसा क्या कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब आपको हर हाल में प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, यूज द प्रोडक्ट, जो कंपनी का स्लोगन भी है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज के लिए, और फेम या एब्सोल्यूट या इवनिंग केयर या इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो क्यों बताना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब ने ट्रैवलिंग किट के बारे में बताया, छोटा सा है और वो जो भी अमाउंट है उसका, यहीं पे ऑलरेडी जिसको कहते हैं हमारी भी इस मीटिंग का हिस्सा है, नाम है तिलक जी। तिलक जी इस मीटिंग का हिस्सा है, तिलक जायसवाल उनका नाम है। उन्होंने द फेम की वजह उन्होंने ट्रैवलिंग किट किसी को दिया था और उनको वो ऐसा रिजल्ट आया कि आज जिसको कहते हैं उन्होंने इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट उनको बेच दिया। तो ये एक फायदा हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी ना सोचें, छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी देंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वो क्या लेंगे आप सोच नहीं सकते, तो ऐसा जरूर कीजिएगा। एक कमी मुझे जो लगती है बहुत सारे लोगों में है, ये सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में है, बताने से हम डरते हैं बताने क्यों। जो भी मिल जाए आपको लगे कि इनके साथ ये प्रॉब्लम दिख रही है तो आप उनको जरूर रिकमेंड करें, बेचे नहीं,
प्रिस्क्राइब करें, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, आप उनको, आप उनकी समस्या का समाधान बता रहे हैं। तो जब भी आप जहाँ पे भी जाएं, चाहे फैमिली में हो, चाहे यार दोस्तों में हो, चाहे कहीं पे आप पहुंचे हो या मेट्रो में हो या कहीं पे भी हो सकते हैं, आप उसको रिकमेंड करें जरूर। 100% रिकमेंड होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे पहले जरूरी है। अब बात करते हैं टीम पे कैसे काम करें। विषम जी ने बताया, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। हम एक काम नहीं करते हैं, मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वही करता हूँ। मुझको किसी की वजह से, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को भीषम जी मान लेते हैं मेरे काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को पता है मेरे पास डॉक्टर साहब और नवाब जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं क्या करूँगा, भीषम जी नहीं कर रहे, मैं नवाब जी को और एस्कुबार जी को देखो कहते हैं कॉन्टैक्ट करूंगा, उनके साथ काम करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि उनके साथ नहीं हो रहा, तो उनके उनके थ्रू जो नीचे आए होंगे उनके साथ काम करूंगा। तो आपको आपके दो किसके थ्रू मिलेंगे दोस्तों, वो आपको जज नहीं करना है, आपको सबको टच करना है। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं रोज, सबसे पहले कनेक्टिविटी रिलेशन ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मैटर है, ये आपको सबको करना पड़ेगा। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, नीचे से नीचे जाके और नीचे से नीचे से नीचे जाके वाले को भी टच करेंगे और पूछने के लिए तैयार हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हो और आपने एटॉमी ज्वाइन किया है, क्यों किया है और आपको क्या बताया गया है, क्या आप जानकारी रखते हैं, क्या पता आपको बहुत अच्छा, एग्जाम्पल के लिए तिलक जी है, मतलब कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे नहीं पता तिलक जी कितने नीचे, मतलब नीचे लेवल पे जाके मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ है, लेकिन आज उन्होंने एक झटके में एजेंट ले लिया, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, एक झटके में अभी एजेंट लिया, इसी 10 दिन के अंदर उन्होंने एजेंट ले लिया। तो इसलिए किसी को भी जज मत करो, हर किसी को पूछो कि आप कौन है, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्यों आपने ज्वाइन किया, आपको क्या बताया गया, इस तरह का काम आप जरूर करो। फिर उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, हो सकता है उनके थ्रू आपको लोग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे जैसे तिलक जी मिले। तिलक जी मिले किससे, किसी और की वजह से। तिलक जी एजेंट बनके और उनके ऊपर वाले कम से कम मुझे लगता है 1000 लोग एजेंट नहीं बन पाए, तो डिपेंड ऑन है। उसके बाद हम जो भी लोग होते हैं हमारी टीम को एक क्वेश्चन जरूर करके इंट्रोड्यूस करें, लाएं। मेरे को लगता है, मेरा, मैं कई बार कहता हूं कि आप जिसको कहते हैं किस तरह का, जैसे एक तो कंज्यूमर की तरह आपने डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वो लाएं, और एक एजेंट सॉरी नेटवर्किंग के हिसाब से लाते हैं, तो आप उनसे पूछें कि आप जिसको कहते हैं अभी एज ए कस्टमर के हिसाब से काम करेंगे, ट्राई करेंगे, या फिर बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से करेंगे तो एजेंट हमारा यहाँ पे बहुत जरूरी एक लेबल है, उसको आपको जल्दी से जल्दी टच करना है। चाहे आप प्रोडक्ट लो, उसको सेल आउट कर दो, पैसे वापस, ऐसा करना है। तो एक हफ्ते के अंदर जो आपके सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा जिसका सर्कल हो, जिसकी पकड़ मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे या किसी पे, किस तरह के पर्सन को आपने इंट्रोड्यूस करना है, और उनको भी ये सेम क्वेश्चन जैसे हम आपको बोल रहे हैं, यही सेम चीजें आपको उनको पूछनी है और बतानी है। अगर हम जिसको कहते हैं इस प्रोसेस को एक कहते हैं ना कि एक हफ्ते में एक या दो लोगों को अगर हम नई ज्वाइनिंग पे काम करें, सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे अपने सर्कल पे करें, चाहे आपके फोन बुक पे करें, या आपके टीम में जो लोग हैं उनकी फोन पे बात करें, मतलब उनके कॉन्टैक्ट पे काम करें। कॉन्टैक्ट पे काम करना पड़ेगा हर हालत में। अगर आप कॉन्टैक्ट पे काम करेंगे तो क्या आपकी टीम नहीं बढ़ेगी? यहाँ पे जिस जिसने ये काम किया है उनकी टीम देख लो आप, सबकी टीम बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जैसे ही जिसको कहते हैं फेम और एब्सोल्यूट पे काम क्यों करना है, 60,000 या 1,00,000 पीवी आते हैं, झटके में आते हैं। 5-5 लोगों ने लिया तो मैचिंग झट से आएगी, 4,000 रुपये झट से आते हैं, इसलिए उसको बताना जरूरी है। अब मैं बात करूं सेल्स मास्टर की। दोस्तों सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको पता है 25,00,000 पीवी जरूरी है, लेकिन आपको फेम, एब्सोल्यूट, इवनिंग केयर सेट या इस तरह के जिसमें भी पीवी अच्छे हैं, या फिर आप ब्यूटी भी कह सकते हैं, पर्सनल केयर भी कह सकते हैं,
एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास ओरल केयर है, मतलब कि टूथपेस्ट टूथब्रश है या ओरल सेट है, तो आपको सबसे पहले दो लोगों को ट्राई करवाना पड़ेगा। किसको? जो दांतों का डॉक्टर हो, जहां से रेगुलर वो निकल पाए, या फिर जिसको कहते हैं आपको 50 लोगों को आपके जो जिनको आप जानते हैं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिसको कहते हैं जैसे हम लोग देते हैं, वो देना पड़ेगा। पेस्ट और ब्रश आपको इतना बताना है कि अगर इसे आपको पसंद नहीं आया तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम हो सकता है ये वापस भी ले दें, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि इससे अच्छा कौन सा है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, रिकमेंड करना पड़ेगा कि उनके चेहरे पे कुछ है, तो फेम और इवनिंग केयर। इवनिंग केयर तो पॉम क्लिंजर भी आपने किसी को करा दिया, डेमो देना पड़ेगा आपको। पॉम क्लिंजर आप अपने पास रख लीजिए और किसी को भी बिफोर और आफ्टर का फोटो उसी समय उसको करा के दिखा दीजिए। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, वो फोटो देख के चौक तो जरूर जाएंगे। तो ये काम करना पड़ेगा। ऐसे काम हम लगातार एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो टीम कह लीजिए या कंज्यूमर कह लीजिए, वो नहीं बढ़ रहे हैं। किसके बढ़ रहे हैं? जो इस तरह का काम कर रहा है। डॉक्टर साहब अगर बोलूं, कोई डॉक्टर साहब के पास कोई कस्टमर या जो आता है और उसको डॉक्टर साहब ने देख लिया, तो सोचिए कि डॉक्टर साहब कितने आसानी से उसको प्रोडक्ट दे देते होंगे। तो इस तरह से आपको हर हालत में एक लोगों से बताना है कि एक लोगों को आप बताओ। कहते हैं ना कि मैंने तो 3 लोगों को बता दिया, अब आप प्लीज इसको 3 लोगों को फॉरवर्ड करो, 3 लोगों को आप बताओ या 30 लोगों को बताओ। हमारे पास 100 लोग हैं दोस्तों। ये काम आपको रेगुलर टच में रहते हुए जो टीम कम्युनिकेशन है वो जरूर बना के रखना पड़ेगा। कि जैसे मैंने बात करी भीषम जी से, भीषम जी ने बात करी नवाब जी से और डॉक्टर कुमार से, डॉक्टर कुमार ने जिसको कहते हैं अपनी टीम में जिसको कहते हैं अमरजीत से करी, नवाब जी ने जिसको कहते हैं आईबी पटेल से करी, आईबी पटेल सर ने किसी से की। तो ये जो कंटिन्यूशन है ना, ये आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा लगातार डेली। अगर ये डेली बनेगा ना, कोई शक नहीं है वो टीम बिल्डिंग होगी, और टीम बिल्डिंग होगी और कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ बातें हो रही होंगी, माहौल अच्छा होगा, तो जब भी आप सेल्स मास्टर की ट्राई करेंगे ना, पूरी टीम आपके साथ एकजुट होके परचेस करेगी। एक तो आपको अपनी टीम को एक नंबर तो देखो चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, एटलीस्ट 100 लोगों को जरूर चाहिए, और 100 लोगों में से 50-50 लोग जिसको कहते हैं परचेस जरूर करने चाहिए, तब आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं। या तो आप 500 का टारगेट कीजिए और उसमें से 100 को एक्टिव कीजिए, मतलब कि वो रिकमेंड कर रहे हो। कैसे रिकमेंड? कि एक इवनिंग केयर सेट जिसको कहते हैं 15 दिन में दे रहे हो, एक फेम दे रहे हो या फिर एक शैम्पू दे रहे हो, मतलब कि 20-25,000-50,000 पीवी आपको उस 15 दिन में दे रहे हो। इस तरह से आपको उनकी चेन को या उनके कंज्यूमर को, कस्टमर को बनवाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा एक एक उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्यों लें, बाल कैसे उगे, चेहरे की झाइयां कैसे गायब हुई। इसको अगर आप लगातार बोल सकते हैं ना दोस्तों, तो ये 1 साल का समय है, और इस अक्टूबर से पहले आप सेल्स मास्टर बनने में, देखिए कौन कौन बनेगा आप लोग भी जानते हैं, ज्यादातर जो मीटिंग में डेली आते हैं ना, उन सबको पता है कि सबसे पहले कौन कौन सेल्स मास्टर बनेगा। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि ये बनेंगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो करते क्या हैं, वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी है। जब वो आपकी नजरों में बनेंगे, तो आप वही काम करके आप क्यों नहीं बने, आप क्यों नहीं सोच रहे। माइंड सेट एक चीज नहीं बता पाए, माइंड सेट करके अगर आप किसी का लाते हैं ना, तो हर हाल में ये हो सकता है दोस्तों। माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है। जैसे मेरा माइंड सेट हो चुका था, मेरा तो ठीक है सेल्फ हो गया था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस था। नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपको उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ उनको क्या मिलेगा। 70,000 रुपये मिलेंगे कैसे? उसके लिए आपको वर्किंग, जैसे हम जॉब में जाते हैं, एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को नवाब जी की, जो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे कि 70,000 रुपये कौन कमाना चाहता है
और किसकी 50,000 से 70,000 रुपए इनकम है, दो ही लोगों का हाथ उठा था और एक उनमें से यूएसए वाले थे। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इससे ऊपर नहीं है। तो इतनी इनकम अगर हम अभी इतने सालों तक भी जॉब करके नहीं कमा पाए हैं तो एक साल हम 2 घंटे देकर नहीं मिलेगी क्या यहाँ से? लेकिन लगातार होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाहूंगा इसको अभी मैं यही रोकता हूँ ताकि हम आपका अगर किसी का कोई व्यू है तो हम 9:30 बजे एग्जैक्ट इसको मीटिंग को बंद कर देंगे, मतलब वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं, आपका कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं ये जरूर करूंगा, इसको फॉलो करूंगा, या कुछ भी जो चीजें आज हम चारों ने बताई हैं और मैं ऐड करवाऊंगा एक मिनट के लिए। डॉक्टर कुकरेजा सर भी आज हमारे साथ हैं, अगर सर कंफर्टेबल हैं तो ऑन कीजिए, आप अपने 2 मिनट में कुछ बताइए कि सारे लोग कैसे कुछ खास करें। डॉक्टर कुकरेजा जी अगर कंफर्टेबल हैं तो सर, बाकी सब लोग प्लीज हैंड रेस कीजिए, जिसको भी कुछ बोलना है या उसको क्या लगता है कि कैसे पॉसिबल है, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारी बातों में या फॉलो करना चाहते हैं डॉक्टर साहब की बातों को, नवाब जी की बातों को, या फिर बिशप जी की बातों को, या मेरी बातों को, या अपनी खुद की बातों को, जो आपको लगता है जिससे आप सेल्स मास्टर बनेंगे। तो थैंक यू, मैं अपने आप को यहाँ पे रोकता हूँ, धन्यवाद, ओवर टू यू होस्ट। नवाब जी आपको होस्ट है ऑलरेडी, नवाब सर प्लीज, नवाब सर, नवाब जी आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। ओके, जैसा कि थोड़ा सा हम इसमें ऐड करना चाहेंगे और बात करना भी चाह रहे थे, चाह रहा था कि अगर कोई बात करेगा तो मैं नहीं बोलता, अदर नहीं नहीं प्लीज सर प्लीज कोई ना ले, जस्ट एक सेकंड सर, मेरी वॉइस, बस वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाँ ठीक है सर बिल्कुल। जैसा कि हम सब लोग ना सेल्स मास्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो चाहते तो हम हैं सेल्स मास्टर जाना, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि सेल्स मास्टर जाने के लिए हमारे पास टीम साइज क्या होनी चाहिए, उस टीम में हमारे वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए, और वर्क हम क्या करें और कितना करें। तो मेरे समझ से हम सब लोग, जितने लोग भी सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं, शुरू में हैंडलेज किए थे, वो लोग तो सबसे पहले ये चीजें इंश्योर करें कि क्या उनकी लेफ्ट राइट में लीडर्स हैं। लीडर्स इन सेंस 2-3 चीजों पे मैं बात करूंगा। लीडर्स उसको हम अपने नजर से देखते हैं, आप अपने नजर से देख सकते हैं कि क्या वो प्लान शो कर रहे हैं, क्या वो, मैं जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2 चक्के पे चलता है, एक तरफ नेटवर्क को बिल्ड करना होता है, दूसरे तरफ प्रोडक्ट्स को मूव करने होते हैं। तो जैसा कि ये बाइनरी का या एटोमी का कह लीजिए, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, अगर मैं बात करूं तो, कि यहाँ पे हम एजेंट जाने के बाद हम क्या है, एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। एजेंट तो मैं देख पाता हूँ, हमारे भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने टीम को ही खास करके मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट तो चले जाते हैं लेकिन उसके बाद एक रिलैक्स मोड में चले आते हैं कि अब तो हमारी मैचिंग आएगी, हम एजेंट बन चुके हैं। तो दोस्तों ये चीजें शायद मेरे समझ से नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में ये बहुत ही एक कैंसर का रूप है। हमें हमेशा जब तक हम बिजनेस में हैं उसको हम बिजनेस के पैरामीटर से ही देखें। बेशक हमारे इस बिजनेस की एक खूबसूरती है कि हम एक बार एजेंट चले गए तो 4,000 की मैचिंग आती है, लेकिन एक दूसरी भी चीजें अगर इसके साथ देखें तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि हमारा एक बार कोई प्रोडक्ट सेल हो गया या एक सम टर्नओवर हो गया तो उसके बाद हम टर्नओवर की चिंता ना करें, टर्नओवर ना सोचें। ऑब्वियसली हमको 3,000 पीवी के बाद हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जब तक हम सेल्स मास्टर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर वही चीजें हम देखें कि हमारे लेफ्ट राइट टीम में
अगर हमारे एफर्ट से 1 लाख पीवी या 2 लाख पीवी अगर निकलता है, या महीने में हम कहते हैं या 15 दिन में 15-20 हजार पीवी 50 हजार पीवी महीने में अगर निकलता है तो न जाने कितने लोगों को हेल्प करेगा उनकी मैचिंग को लाने में और उनको बूस्टअप करने में। तो पहली तो मेरे समझ से हमारे अंदर या हम जो समझ पा रहे हैं जो गलतियां हो रही हैं वो हो रही है कि हम रेगुलर अपने कस्टमर्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रही है, बहुत सारे लोग जैसे मेरी भी 1400-1500 की टीम है और कई बार मैं भी रिलैक्सेशन में आ जाता हूँ कि यार 1500 की टीम है, इधर 1000 है, 700 है, लोग मिल जाएंगे इधर से। वो भी शायद मेरे समझ से गलती हो रही है। हमें हमेशा अपने पर्सनल ज्वाइनिंग पे भी फोकस करनी चाहिए। और ये दो चीजें, और मैं बताऊं तो ये हर बिजनेस में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी में चले जाएंगे तो मोटा मोटी 8-10 हजार रुपए का बिजनेस करना सिखाया जाता है। अगर हम पहले जो बात किए कि 60,000-70,000 रुपए हम कमाना तो चाहते हैं, लेकिन हम 10,000 रुपए के एक छोटा सा टर्नओवर भी करना नहीं सीख पा रहे हैं। और या फिर जैसे फेम आया, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात किया कि एक एब्सोल्यूट और एक फेम ले लो 3 लाख पीवी हो गए, 3 लाख हो गए, दैट्स गुड, हम एजेंट पहुंच गए। लेकिन हमारी कंपनी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में एटोमी के प्रोडक्ट्स को हमें मूव कराने हैं। तो हमें इन चीजों को रेगुलर इन चीजों को देखना चाहिए कि क्या हम अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही लीडर, सबसे पहले जो लोग भी सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ और मैं डे टू डे उसको चेक करता हूँ कि हमारे लेफ्ट टीम में कितने लोग निकल रहे हैं, मेरे राइट टीम में कितने लोग निकल रहे हैं जो सीरियस आ रहे हैं। और ये सीरियस लोग, मैं जब भी मेरे क्लोज लोगों से बात होती है मैं जरूर बात करता हूँ, सर आपके लेफ्ट में इतने लोग हैं, राइट में इतने लोग हैं, इसमें से कौन कौन लोग सीरियस हैं, नहीं है तो सर अपनी राइट जल्दी से ओपन करो, राइट में जल्दी से ले आए लोगों को। तो क्या करना, सेल्स मास्टर जाने के लिए हम तो पहले अपने लेफ्ट राइट में लोग को देखें। और जो मेरा मानना है कि कम से कम अगर जो लोग अक्टूबर तक सोच रहे हैं, जितनी जल्दी 10 लेफ्ट में और 10 राइट में रोज के प्लान नहीं बोल सकता, नहीं हो पाता है, हमसे भी नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट वीक में 3-4 STP हो और 15 दिन में 30,000 PV या 25-30,000 PV उनके हैंड से निकल रहा जो सेल्स मास्टर जा रहे हैं। और वही चीजें अपने टीम में 10-10 लोगों में डुप्लीकेट कर दें कि वो तीन चार प्लान दिखा रहे हैं वीक में, 3-4 प्लान दिखाएंगे, मेरे समझ से 2 ज्वाइनिंग डेम्स्योर आएगी, उसमें से 1 लोग सीरियस मिल जाएगा। और 25,000-30,000 PV 15 दिन में करने की आदत डलवाएं लोगों में। अगर ऐसा कर लिए 2-3 महीने लगेगा। आप लोग को ये लग रहा होगा कि फिर नवाब भाई जानते तो ये क्यों नहीं कर ले रहे हैं, बॉस मेरे भी टीम में कमी आ रही है, मेरे में भी कमी है, उसको भी मैं सुधार रहा हूँ। अगर हम लोग 10 लोगों को लेफ्ट में और 10 लोगों को राइट में अगर ऐसा करने वाले लोगों को ढूंढ लिए जो 15 दिन में 25-30 हजार PV का बिजनेस कर रहे हैं और 4-5 प्लान वीक में कर रहे हैं, डेफिनेटली 2-3 मंथ सेल्स मास्टर हर कोई बन सकता है। तो हमें यही ऐड करना था। बाकी थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम फॉर लास्ट मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू नवाब जी, बहुत शानदार बात है आपने जो बताई है। अल्टीमेटली यही करना है, कंटिन्यूटी, जैसे मैंने भी बताया। विषम जी कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग हैं आज, तो आप में से जो भी लोग बात करना चाहें या कोई भी आपको बात अच्छी लगी यू कैन शेयर। और उनमें से एक लीडर हैं, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है, इज फ्रॉम राजस्थान, प्रवीण भारद्वाज जी। प्रवीण भारद्वाज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, यू आर वेलकम इन द एटोमी फैमिली। प्रवीण भारद्वाज प्रवीण जी यू आर वेलकम, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और हाउ यू फेल्ट द फर्स्ट मीटिंग, द वेरी फर्स्ट मीटिंग, आई थिंक सो आपको याद रहेगी ये मीटिंग। यस प्रवीण भारद्वाज जी आप शेयर कर सकते, आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू है उनका। यस 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 विपिन साहू। हेलो सर जी, विपिन जी
सर गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। विपिन साहू, मैं निमापड़ा उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन जबरदस्त था, सार का विषम सार, और जो आज का नवाब सार था उनका जो टॉपिक था बहुत अच्छे लगे मुझे। और मुझे सिर्फ एजेंट होने के लिए 1 लाख पीवी चाहिए, और मैं सार से इतना इंस्पायर हूँ। तो एक और स्किन केयर सेट मंगाने के लिए मैं तैयार कर रहे हूँ। थैंक यू सर। सुपर ग्रेट विपिन जी और नवाब जी, ग्रेट। देख लीजिए आपका नतीजा है, वो रेडी हो गए। थैंक यू विपिन जी। विभा जी, हेलो जी। विभा जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हम डॉक्टर कुमार जो बता रहे हैं कि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो भी है हम है या फिर अगर किसी को देते हैं बताते भी हैं, तो इस बात से मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस भी सही है, इसमें हम भी इस बात से एग्री करते हैं। क्योंकि कोई भी है अगर छोटा सा भी प्रोडक्ट यूज करता है वो अच्छा लगता है, तो आगे जब हम उसको बताते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, आई थिंक विभा जी की नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो yes. मैं बिल्कुल इसको कंटिन्यू करता हूँ विभा जी की बात को। मुझे जो लगता है मैं वो बताता हूँ। एग्जांपल के लिए देखो, कहते मान लीजिए मैं 4 प्रोडक्ट यूज करता हूँ एटमी के, 4 मान लीजिए मैं शैम्पू कंडीशनर करता हूँ, टॉनिक करता हूँ या टूथपेस्ट टूथब्रश करता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं केवल 4 चीज़ों के बारे में बता पाऊंगा। अब मैं 5वीं बताऊंगा और उसका असर मेरे चेहरे पे या मेरी उस जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कैसे उसको बता पाऊंगा या वो कैसे उसको जज करेगा और अच्छा मानेगा। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करने की कोशिश करनी है। एक एक करके करें, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, बट उसको नए नए को ट्राई करें। और जितने भी रिजल्ट, मतलब जिनको भी प्रोडक्ट आपने दिए हैं उनको जो रिजल्ट आए ना, उसको अपने पास टूल की तरह रखें, वो बहुत बड़ा काम करेंगे। टूल की तरह रखें हर टीम में, जैसे एग्जांपल के लिए उनको प्रमोट करें। जो जैसे ऑफर आया हमारे ग्रुप में, सारे लोग लगातार सारे उसको स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे डालें, शेयर कर रहे हैं उसको कि देखो ये इन्होंने फेम लिया, ये इन्होंने किया, ये माहौल बनाता है, ये लालच देता है दोस्तों। ऐसा जरूर करें और सबको करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो बिजनेस मैं करता हूँ हम लोग करते हैं ऐसा, और जो ऐसा करता है उसका बिजनेस जरूर बढ़ता है। क्यों? यही एक रीत है इसकी। रत्ना जी जल्दी जल्दी से करें, और जो भी लोग बोलना चाहते हैं प्लीज, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। रत्ना जी। जी मैं मुकुंद बात कर रहा हूँ। यस, रत्ना की तरफ से। नवाब जी, एस कुमार जी, शर्मा जी, भीष्म जी और अरुण जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। एक प्रॉपर पाथ पे जाने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बताए हैं। मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम डेली प्लान सेशन के साथ ये इन्फॉर्मेशन सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकुंद जी, आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया था, मैं बहुत ही इम्प्रेस था उससे। थैंक यू अमर जी। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यहाँ उपस्थित सभी हमारे गुरु जो लीडर है उनको मैं नमस्कार करना चाहूंगा। सर मैं मेघालय से नॉर्थ ईस्ट मेघालय से हूँ सर। यस यस बिल्कुल सर। आज ऐसे तो मैं 8 बजे का मीटिंग रेगुलर ही लगभग मैं अटेंड करता हूँ सर जी, लेकिन आज का मीटिंग बहुत ही हमको खास लगा। तो नवाब, जो हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो पीवी के बारे में बताया, पीवी हमको कैसे बाय करना है, कैसे हमारा ग्रुप का पीवी को आगे कैसे हम मैचिंग तक ले जा सकते हैं, और एजेंट लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और मुझे यहाँ से एक बात समझ में आया सर कि हम प्रोडक्ट नहीं, हम पीवी खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट अपने आप मिल जाता है। तो हमको पीवी खरीदना है, प्रोडक्ट नहीं, हमको पीवी खरीदने से हमको प्रोडक्ट अपने आप मिल जाता है, उसी में हमको फोकस कर रहे। तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं, बल्कि हमको पीवी की कॉस्ट में हमको जाना है। तब हमको आगे अपने ग्रुप को भी और उनको अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं अपनी तरफ से। और सर हमको बहुत ही अच्छा लगा आज का मीटिंग। और सभी सभी लीडर, ऐसे तो हमको ये आठ जो बजी का जो मीटिंग है, हम हमेशा रहता हूँ। आपके आपके अपलाइन कौन है अमर जी? सर मेरा अपलाइन तो ऐसे हमारे टच में अभी बिल्कुल ही नहीं, बहुत दूर से है। अभी मैं कहूँ तो आनंद जोशी सर के ग्रुप से हूँ सर। आनंद जोशी जी के सर, आनंद जोशी सर के ग्रुप से हूँ सर। कोई नहीं सर, वेलकम है आपका। और आप बिल्कुल, आप हमारी मीटिंग में आपका स्वागत है, जब मर्जी आइए। अमर जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू अमर जी। विभा जी जल्दी जल्दी से और जो भी है। हेलो सर, सॉरी सो सॉरी सर, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं थी, मेरा फोन ऑफ हो गया था। तो हम जो भी बोले वो हम पता नहीं बोल पाए कि आवाज गया कि नहीं, हमको ये समझ में नहीं आया। हेलो, यस यस, आपकी बात कंप्लीट हो गई थी बेबाजी, और आपने सही अपने आप को एग्जांपल दिया अपना कि यस यू वर यूजिंग, आप यूज कर रहे थे प्रोडक्ट्स एंड उनके रिजल्ट आए, तो बहुत अच्छा आपके साथ यू नो काम हो रहा है। यस सर, राइट सर। थैंक यू सर। हम लोग लास्ट पार्टिसिपेंट को ले रहे हैं, सरोज मलिक जी। सरोज मलिक जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से। मेरे अपलाइन पूजा मित्तल, अंकिता अग्रवाल, विषम सर एंड अरुण सर, डॉक्टर कुकरेजा सर, विकास पाठक एंड अदर ऑल लीडर्स। सर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत बढ़िया लगा आज। मैं ये कह रहा हूँ क्या, एक पॉइंट है, जिस तरह का आज हुआ डिस्कशन हुआ चार लीडर का साथ, जिस तरह का हर 15 दिन में या हर हफ्ता में एक बार होना चाहिए, ये होगा बिल्कुल, ये इससे होने से बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सजेशन डेफिनेटली ले लिया गया है सर, 100% होगा हर 15 दिन। थैंक यू सर। ओवर टू यू नितिन जी एंड अरुण मीना जी, देन वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अगेन द्वारा आप सभी चार महान लीडर्स का थैंक यू करता हूँ बहुत बहुत, और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट जो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे, जिनको काफी नॉलेज मिली होगी मैं उम्मीद रखता हूँ। और आप ऐसे ही मीटिंग में इतने नंबर्स और इससे भी बढ़ के नंबर में आए, सो देट की स्पीकर्स का भी और होस्ट का भी और आप सभी का भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों की, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ज्यादा आपकी यानी आपको व्यूज मिलेंगे लोगों से, और आप अपने व्यूज भी अगर रखना चाहेंगे तो आपके व्यूज भी सभी लोगों को जाएंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, और जितनी ज्यादा नितिन जी का म्यूट हो गया है, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों आपको जब तक आप लगातार अपनी टीम के साथ काम नहीं करोगे, उनको यहाँ नहीं बुलाओगे या उनसे, आपकी भी वॉइस बहुत ही स्लो आ रही है सर, थोड़ा पास में देखिए। हमने एक्चुअली एक फोन की वजह से मे भी शायद प्रॉब्लम आ रहा, फोन ठीक है। तो दोस्तों हमें हर हाल में अपनी टीम के साथ डेली कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, डेली एक लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा, चाहे दो लोगों के साथ आप लिस्ट बना के काम करो, चाहे चार के साथ, चाहे पांच के साथ। ये अगर आप कंटिन्यू रोज 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 अगर करते हैं, रिपीटेशन इसी काम को करते हैं, तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो एक्सपर्ट बनना है हमको, स्पेशलिस्ट बनना है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। टाइम हो चुका है ज़्यादा, धन्यवाद, कल मिलते हैं अगेन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद।